दिल्ली के मुखर्जी नगर एरिया के नेहरू बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और स्थानीय लोगों में झगड़ा, कई लोग घायल, कई गाड़ियां तोड़ी गई, भारी पुलिस बल तैनात किया गया, एरिया में तनाव। नेहरू बिहार और मुखर्जी नगर दोनों आसपास में सटे हुए हैं और स्टूडेंट के हब हैं। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बड़ी संख्या में छात्र पीजी में और दूसरे किराए के रूम लेकर अपनी तैयारी करते हैं। यहाँ छात्र यूपीएससी से लेकर दूसरी परीक्षाओं में अव्वल भी आते रहे हैं। बुधवार को इसी मुद्दे को लेकर छात्रों ने एक मार्च भी निकाला था। बुधवार के इस एरिया में मार्च के बाद तनाव पैदा हो गया था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का आरोप है कि आज एक छात्र एक प्रॉपर्टी डीलर को किराया देने गया था तो उसने किराया देकर कहा कि यहाँ सुविधाएं नहीं दी जा रही और समस्याएं भी साथ में बताई। इतना आरोप है कि उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने गेट बंद कर चप्पलों के साथ स्टूडेंट की पिटाई कर दी। साथ में छात्रों का आरोप है कि उन्हें भारी लोग कहकर चिढ़ाया जाता है। फिलहाल यहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इसमें 6 से 7 गाड़ियां टूटी है और करीब 5 लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पिछले 4 सालों से नेहरू बिहार में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ जी। परसों हमारे बीच के प्रतियोगी भाई को एक छोटी सी बात पर लोकल गुंडों ने मारा और उनको गाली गलौज दी कि तुम लोग बाहरी हो, बहुत गंदी गंदी गालियां दी जिसको मैं बोल भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों ने एक अहिंसक आंदोलन किया कुछ छात्रों के साथ मिलकर, क्योंकि हम लोग जब आए बीट घर पे आए तो हम लोगों की पुलिस ने कुछ भी नहीं सुना। पुलिस ने FIR करने में 2 घंटे समय लगाया और लोकल लोगों से, लोकल पॉलिटिशियन से उनको सपोर्ट मिला, इसलिए उन लोगों ने हम लोगों की कोई मदद नहीं की। जब हम लोगों की कोई मदद न मिलने के बाद हम लोगों ने मीडिया की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद भी हमको धमकाया गया पुलिस के थ्रू कि हमारी रिकॉर्डिंग की गई कि हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे लाज दिए जाएंगे, हमारे घर में घुस के मारा जाएगा हमको, हम लोग विभिन्न प्रांतों के हैं इसलिए हम यूनाइट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जो है ACP सिविल लाइन्स थे, उनके कहने के बाद हम लोगों ने अपने धरने को परसों शाम को 5 बजे वर्धमान प्लाजा पे स्थगित किया। अपना ज्ञापन देके उन्होंने हम लोगों से कहा कि 7 दिनों के अंदर आप लोगों की जितनी मांगे हैं उतनी मांगों को आपको पूरा कर दिया जाएगा। हम लोगों से सर पीड़ा ये होती है कि एक तो यहाँ पे 25 गज के कमरे हैं और मनमानी किराया है, 10,000 रुपया 12,000 रुपया। जब हम लोग घर से आते हैं तो एक तो ब्रोकरेज हाफ किराए का पहला महीना ब्रोकरेज लिया जाता है बिना किसी रसीद के, बिना और भी कैश। अगर हम लोग ऑनलाइन देना चाहें तो ये लोग ऑनलाइन नहीं लेते हैं, पूरा किराया भी ये लोग जो है हमेशा कैश लेते हैं। रात को 12 बजे, रात को 2 बजे हमारी सहपाठी छात्रा हैं, कुछ हमारे मित्र हैं जो कमजोर पड़ते हैं या कमजोर तबके से आते हैं, उनको ये लोग जाके रात को 2 बजे किराया वसूलते हैं। हम लोगों ने कई बार इस चीज का ऑब्जेक्शन लिया और नजदीकी पुलिस चौकी पे इसकी कंप्लेन भी की, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी संदर्भ में आज जो है पुनः शाम को 5 बजे एक बिल्डर, एक ब्रोकर के यहाँ डिम्पी प्रॉपर्टी 120B जो रहता है बी ब्लॉक 120 में ग्राउंड फ्लोर पे गाड़ी के शीशे तोड़े पड़े हैं, जाके देखो आप। कम करो लाइट। कहाँ खड़ी थी मैम गाड़ी? वहाँ खड़ी है, कोने में खड़ी गाड़ी, जाके देखो आप। हाँ, पता कैसे चला मैम आपको? मैं अभी वहाँ से निकल देखा, टूटे पड़े शीशे, हमें पता ही नहीं, हम घर बैठे हुए हैं। कौन सी गाड़ी है मैम आपकी? हमारी गाड़ी वैगनर है। वैगनर? कितना नुकसान किया? सारे तोड़ दिए? किस क्या पता, आके वो बताएंगे, मेरे वो तो बाहर गए हुए हैं। सारे शीशे टूटे हुए हैं? सामान भी रखा था गाड़ी? सारा सामान भरा पड़ा है, मार भरा पड़ा है। मेरा नाम राजेश है। क्या मामला हुआ यहाँ पर? यहाँ पर दो, अभी 2-4 दिन पहले भी स्टूडेंट का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसको लेकर उन्होंने काफी निकाला था और आज भी किसी के साथ कहा सुनी हुई 1,000-2,000 रुपये के पीछे थी। कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं था, इशू बहुत आराम से बैठ के सुलझा जा सकता था, लेकिन किसी ने सुलझाने की कोशिश ही नहीं करी। इवन इन्होंने पूरा एक मजमा जुलूस इकट्ठा करके पूरा 1,000-2,000 लड़के सड़कों में आ गए, बवाल मचाने लगे, उत्पाद मचाने लगे। इवन 8-9 लड़के कौन है सर? स्टूडेंट है, रहने वाले हैं, जो कि बहकावे में एक के साथ करते करते पूरा हुजूम बना दिया उन्होंने। 8-9 गाड़ियां थोड़ी है, बिल्कुल बीट के सामने एक बुजुर्ग आदमी रहता है, पिज्जा बेचता बेचारा, उसकी सारी दुकान तोड़ दी। पूरा यहाँ पर मेन गेट नेहरू विहार के दो गेट है मेन एंट्री के, एक वजीराबाद को निकलता है और एक इधर मुखर्जी नगर को निकलता है। दोनों गेट बंद करके दोनों में चक्का जाम कर दिया। किसी के घर में कोई बीमारी हो, कोई निकल ना सके, लेडीज़ का निकलना मुश्किल हो गया, बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा डर पैदा हो गया हम लोगों में, क्या बताएं इससे ज़्यादा बात। सर यहाँ पर मारपीट भी हुई है? मारपीट यही लोग कर रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, और लोकल थोड़ी ना करेगा, लोकल आदमी की रोजी रोटी जुड़ी हुई है इसके साथ, स्टूडेंट के साथ। लोकल नहीं चाहेगा लड़ाई झगड़ा करना, ना करता है, क्या करेंगे।